क्या आप GTA 5 का रोल प्ले खेलना चाहते हो? क्या आप GTA 5 को बिना परचेज किए ऑनलाइन खेलना चाहते हो? क्या आप GTA 5 को क्रैक वर्जन से ऑनलाइन वर्जन में तब्दील कर सकते हो? तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या ये मुमकिन है कि आप GTA 5 को ऑनलाइन खेल सकते हो बिना परचेज किए? वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो में मैंने आपको फुली डिटेल से गाइड किया है। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हसनैन खलील और आप देख रहे हो आज की गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि GTA 5 को यानी कि अपने न्यू वर्जन में इंस्टॉल कर लेना है, 1.41 वर्जन में। अगर आपके पास वो वाला वर्जन है तो ठीक है, वरना आपका रोल प्ले या फिर आप ऑनलाइन गेम को नहीं खेल सकते। तो कैसे खेल सकते हो विद प्रैक्टिकल मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइज चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइज आपने डाउनलोड कर लेनी है जी गेम, GTA 5 वर्जन 1.41 का आपने डाउनलोड कर लेना है। उसको डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास एक, नीचे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दी, आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम है जी, ये रखा हुआ है जी, उसका नाम है जी राइज MP वर्जन 4 लेगेसी। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड कर लेना है आपके पास। जब आपने इसको डाउनलोड कर लेना है तो आपने सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो दोस्तों अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए GTA 5 जो लेटेस्ट वर्जन है 1.50 वाला, उसको आप ऑनलाइन में कन्वर्ट करोगे तो कभी गेम ऑनलाइन नहीं यानी कि रोल प्ले नहीं प्ले कर सकोगे कभी भी नहीं। फ्यूचर में शायद हो सकता है कि वो रोल प्ले में एडिशनल कर दें इसमें, लेकिन अभी तो कभी भी प्ले नहीं होगा 1.50 में वर्जन में। तो यहाँ पर आपने सिंपल इसको ओपन करना है। आपको कुछ फाइल मिलेगी तो सिंपल आपने इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो ये बता दो कौन सी स्पेनिश जुबान है कि कौन सी है। तो सिंपल आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ये इंस्टॉल होगा कंप्लीट तो यहाँ पर ही आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है जो बैक साइड पे है। तो अब आपने करना क्या है, सिंपल आपको मैं अभी एक और छोटा सा प्रोसेस बताता हूँ। तो वीडियो फुल वॉच करते रहना है आपने। तो दोस्तों आपने अपना इंटरनेट कर लेना है कनेक्ट अपने PC के साथ। अगर आप ऑलरेडी कनेक्ट किया तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आपने करना क्या कि सिंपल आपने इन दोनों में से किसी को नहीं छेड़ना, बस आपने यहाँ से रेज MP5 को रन कर लेना है। यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपने इसकी डायरेक्टरी इंस्टॉल कहाँ पर करनी है, यानी कि आपकी गेम कहाँ पर है। तो सिंपल आपने ओके पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी गेम की लोकेशन इसको दे देनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी गेम की लोकेशन मैंने दे दी। अब मैं सिंपल ओके पर प्रेस करूँगा। तो गाइज यहाँ पर इसने गेम की लोकेशन को सेट कर लिया है। तो अब ये ऑटो इसने आपको ये ओपन करके दे दिया है, इस तरह का कुछ मैं नहीं हो। तो सिंपल आपने सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पर क्लिक करोगे तो आपको पास यहाँ पर यूज़र नेम शो हो रहा होगा ये, तो इसको आपने अपना नेम लिख लेना है। तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख लेता हूँ मिस्टर HK गेमिंग, यानी कि मिस्टर HK गेमिंग। तो मैंने ये लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसने लोकेशन सेट की हुई है। तो अब आपने सिंपल सर्वर्स पर क्लिक कर देना है। तो मैं गाइज आपको दिखा देता हूँ GTA 5 का जो कि है जी फोल्डर, ये फाइल्स हैं आपको मैं इसकी स्टॉक फाइल्स दिखा रहा हूँ। बस आपने ये वाली फाइल्स रखनी है अपने गेम में, और कोई फाइल्स नहीं रखनी। अगर आपने कोई मोड्स इंस्टॉल किए हुए हैं तो उनको भी आपने डिलीट कर देना, या फिर आप मूव करके रख लो किसी और जगह। जैसे ही आप रोल प्ले को ख़त्म करो तो फिर आप रिप्लेस करके फिर से आप GTA 5 को मोड्स में प्ले कर सकते हो। अगर आप रोल प्ले खेलना चाहते हो तो मोड्स वाले फोल्डर को बाहर निकाल के किसी और जगह रख लो। तो अब इसका ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या सीन है,
अब ये सीन है कि सिंपल आपके पास कुछ इस तरह के सर्वर शो हो रहे हैं जिसमें ये देख सकते हैं कि इतने इतने प्लेयर्स की लिमिट है, तो ये प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पर अगर सर्च करेंगे तो हम सर्च नहीं कर सकेंगे, कर सकते हैं लेकिन आपकी मर्जी है कि आप कौन सा प्ले करना चाहते हो। तो यहाँ पर अभी ये टेस्टिंग हो रही है, यहाँ पर आपको ये वर्जन भी बता रहा है कि आपकी गेम का कौन सा वर्जन है, तो आप उसी गेम को यानी कि उसी गेम वाले बंदों के साथ प्ले कर सकते हो। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्योंकि इसमें बंदों की तादाद कम है, तो इसको मैं क्लिक करूँगा और इसमें F2 वाला मेन्यू भी है, तो यहाँ पर ये ऑटो एक इसका लॉन्चर क्रिएट हो जाता है जिसके मदद से आप बगैर रेज एमपी को प्ले किए इस गेम को रन कर सकते हो। तो गाइज हम अब चलते हैं अपनी गेम में और ये गेम प्ले हो जाती है, आपको लाइव दिखा दूँगा। तो गाइज इसके लिए आपके पास इंटरनेट का भी होना लाजमी है क्योंकि ये रोल प्ले है, तो रोल प्ले ऑनलाइन ही खेला जाता है, ऑफलाइन नहीं कभी भी नहीं खेला जा सकता, ये गारंटी है कि बस ऑनलाइन ही खेला जा सकता है। तो दोस्तों आप इस सर्वर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप शेयर करते हो नहीं करते क्या करते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, बस मैंने मेरा काम था आपको बताना कि आप लोग किस तरह GTA 5 को खेल सकते हो ऑनलाइन। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि नीचे आपको कॉर्नर में लोडिंग रेज मल्टीप्लेयर की एक बार शो हो रही है जहाँ पर स्टोरी मोड शो होता था, यहाँ पर अभी ये हमें ये शो करवा रही है रेज लोडिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोडिंग रेज मल्टीप्लेयर, तो ये ऑनलाइन में कन्वर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, मैं आपको फुली प्रूफ के साथ आपको मैं गाइड करूंगा, तो वीडियो फुली वॉच करें। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि गेम तो प्ले हो चुकी है, ये बंदा आ चुका है हमारे पास और यहाँ पर आपको साइड में कुछ लोडिंग्स नज़र आएंगी कुछ ही देर में, ये कुछ फाइल्स डाउनलोड करता है और फिर करेक्टर्स को इन्फॉर्म करता है कि बंद आ जाओ भाई जान, हम तो ऑनलाइन आ चुके हैं, आप भी आ जाओ, यानी कि इसमें जो प्लेयर्स हैं वो प्ले कर रहे हैं गेम को, तो हम भी खुद ब खुद उनके पास टेलीपोर्ट हो जाएंगे खुद ब खुद। अभी तो फिलहाल ऐसे भागते रहना है बस, और कुछ भी नहीं इसमें होना। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी से वीडियो को भी फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम फिर से ज़ाया ना हो और जल्दी से इसकी लोडिंग कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों मेरे तो GTA 5 ऑनलाइन प्ले हो गई थी लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता था तो गेम बहुत ही ज़्यादा लैग करती थी। तो दोस्तों आपका जिस तरह इंटरनेट भी हाई होगा उसी तरह आपकी फाइल्स देर बाद ही रन करेंगी,
तो दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ कि आपको मैं GTA 5 प्ले ऑनलाइन नहीं दिखा सका गेम प्ले। तो दोस्तों मुझ पर अगर आपका ट्रस्ट है तो आप रेज एमपी को डाउनलोड करके इंस्टॉल करें जिस तरह वो तरीका मैंने बताया है, तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्ले करेगी GTA 5 ऑनलाइन यानी रोल प्ले में। बस इसमें आपको मिशंस देखने को नहीं मिलेंगे, आप अपने दोस्तों के साथ बातचीत भी कर सकते हो, वो सब कुछ कर सकते हो, तो आप बस ऑनलाइन वाले मिशंस नहीं कर सकते। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा करें, क्योंकि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप को मेरी इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन कैसे मिलेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन जरूर प्रेस कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।